गुड मॉर्निंग फार्मर्स। आज हम स्वीट कॉर्न के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी आपको बताया था, हमने 29th ऑफ अगस्त में ये जो स्वीट कॉर्न की वैरायटी है मिठास, ये हमने यहाँ पर सोइंग की थी और आज लगभग क्रॉप जो है 42-43 डेज़ की हो चुकी है। एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि शुगर कॉर्न जो स्वीट कॉर्न होती है इसमें शुगर परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो ये सीधे भुट्टे बिक जाते हैं, हरा पौधा होता है और बाकी पशुओं को चारा खिलाने के लिए ये जो बाकी मटेरियल ये भी बिक जाता है मार्केट में। तो ये मिठास वैरायटी है, आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर भुट्टा जहाँ से लगने वाला स्पॉट देख सकते हो आप, ये वाला जो स्पॉट है यहाँ पर भुट्टा लगेगा। और लेट अस सी, हमने बहुत सामना किया वॉर्म जो इल्ली होती है, इल्ली का प्रकोप ज़्यादा होता है इस पर, तो हमने बहुत स्प्रे किए और उसे रोकने की कोशिश की। आज देखिए हरा भरा खेत पूरा आपको दिखेगा, हाइट भी लगभग अच्छी हो चुकी है, लगभग 6 फीट के आसपास की हाइट है मक्का की। एंड सी दिस इज़ वेरी गुड क्रॉप। अब देखते हैं, ये देखना ये है कि भुट्टा कैसा लगता है और क्या वज़न आता है भुट्टे का, क्योंकि पर केजी के हिसाब से ये बिकता है मंडी में। और ढेर सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो सीधे खेत से ही माल ले जाती है, तो साइज़ ऑफ जो भुट्टा है वो ज़्यादा मायने रखेगा। ये देखिए हमारी क्रॉप, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में देता रहूँगा, जैसे हार्वेस्टिंग होगी तब भी आपको बताऊँगा मैं कि कितना प्रोडक्शन है, क्या स्वीट कॉर्न लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या फिर लगानी चाहिए तो कौन से मौसम में लगानी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको दूँगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।